तो दोस्तों ये आलू और प्याज में मसाला पड़ गया है, जो जो पड़ता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्की आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विक्की आचार्य ब्लॉग्स, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये अभी शुरू हुआ है, अभी तक तो बारिश लगी थी पूरी तरह से। तो आज भी मौसम ख़राब होने वाला है और मुझे लगता है पूरा दिन अंदर ही बैठना पड़ सकता है आज। ऐसे इस मौसम में खासकर खाने का बड़ा मन करता है, मतलब कुछ हटके चीज़ें जो हम रेगुलर नहीं खाते, रोज़ नहीं खाते हैं। खाना तो रोज़ खाएंगे, लेकिन मोमो भी रोज़ खा रहे हैं, लगभग चाउमीन वगैरह भी खा रहे हैं, सिड्डू भी हो गए। क्या बनाएं आज, कुछ बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है आज, हमारा प्लान बना है आज क्या खाने का। जी क्या खाएँगे आप? पतरोड़े। हाँ पकौड़े बना रहे हैं दोस्तों, पकौड़े बना रहे हैं हम लोग। और जैसे ही हमारा चाय का टाइम होएगा तब तक ये भी बन जाएंगे पकौड़े। अजीब अभी काम कर रही है, देखो क्या है इसके हाथ में, आलू आलू और प्याज प्याज मैंने हाँ अब क्लियर हुआ कैमरा ना। धुंध पड़ी थी इसमें, ठंड की वजह से धुंध पड़ जाती है एकदम से कैमरे में। अंदर आएंगे हम, अंदर केतली पड़ी होती है हमारी, इससे पानी उबलता रहता है और पूरे कमरे में मॉइस्चर होता है, एकदम से पकड़ लेता है कैमरा। ये ठंडा था बहुत, इसलिए इसमें एकदम से जम गया था। वही 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 मत गांधी, क्यों खाती है ये फ्रेंच फ्राइज कच्चे? ए आज इनको का रखूं दो के नहीं मैं दो के लाइव दो यहां ला। यहां पर पूरे कमरे में गुन्नू की नोटबुक फैली हुई है, इसमें बहुत सारा काम करने को था, जैसे कि इनमें कवर लगाने को था, नेम स्लिप लगाने को थी, लिखने को था। बर्फबारी लगी हुई है, लगातार लगी हुई है दोस्तों। आया था छत पे अपनी डिश साफ करने, लेकिन ऐसा हो रहा है मुझे लगता है कि मौसम ही ठीक नहीं है, तो डिश साफ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये आलू और प्याज में मसाला पड़ गया है, जो जो पड़ता है। बेसन है इसमें, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला, जो जो भी होता है सब कुछ इसमें पड़ गया है। थोड़े से बनाएंगे हम, ज़्यादा नहीं, तो इनको बोला जाएगा। चलो बाहर दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं बाहर कैसा नज़ारा है। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, बर्फ लग रही है, लग रही है, लग रही है। आज तो इसने मतलब सरप्राइज ही दे दिया है आज। वैसे उतना ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं बताया हुआ था जितना कि कल परसों बताया था, लेकिन आज ज़्यादा पड़ रही है। ठंडी हवा लगती है झुल दे,
चिल्ला रे डालो लाइट जलाओ रे ओ खाइले खाइले और आ गए हैं हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल यम्मी कुरकुरे ताज़ा गर्मा गर्म गर्म है। चाय का अच्छा चाय भी आ गई है वो गुन्नू है अच्छा गुन्नू भी आ गई है सब भी आ गई यार मिर्च वाले हो ये तीन इबो खड़े हो जाओ आप तीन मत खा बाकी खा साथ में पकौड़ा खाना तो फुलाई टेस्टी बहुत टेस्टी है इन्हें जैसे दुकान में भी नहीं कभी मैंने खाया बहुत ही आप तो बधाई के पात्र हैं आपको तो बहुत बहुत बधाई है आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो पकौड़े खाने की साल के पहले पकौड़े खा रहे हम लोग गुनु की ला उसके ना इतना बड़ा खाएंगे जोर लगा के ऐसा तोड़ दिया सिग्नल भी गया पानी पिलाओ पानी नहीं पीना चाहिए वैसे पीना चाहिए चाय डायनासोर स्केयर्ड पापा की तरह हाँ कहाँ मैं चल पड़ा हूँ बोरी लेकर अंदर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो बोरी में भरेंगे लकड़ियाँ थोड़ी और तंदूर जलाएंगे गांज के दोस्तों अभी मौसम देखिए आप लोग ऊपर साफ है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे बर्फ़ के फाये लगे हुए हैं बहुत ही छोटे छोटे और क्या कमाल का वेदर हो गया है लाजवाब वाह और मैं और इबू निकले हैं और फिर से घूमने बाहर रोज़ की तरह तंग हो गई है आजकल का मौसम ये वाला मौसम बच्चों के लिए खासकर काफ़ी मुश्किल होता है निकालना बड़े तो जैसे कैसे एडजस्ट हो जाते हैं कर लेते हैं लेकिन बच्चों का मुश्किल होता है खासकर ऐसे छोटे बच्चे
चले चले।